हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड बेला विद अर्पिता। मैं हूँ अर्पिता। तो विंटर सीजन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और इसीलिए मैं आज थोड़े बहुत जो प्रोडक्ट मैं अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड करी हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। विंटर सीजन में स्किन का प्रॉब्लम हर एक स्किन टाइप के लिए होता है, क्योंकि ये सीजन में स्किन ड्राई हो जाती है बहुत, डेड स्किन ये सब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं किसी किसी को, जिसका बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है उनको, और ऑयली स्किन को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हर एक स्किन टाइप को प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जो प्रोडक्ट्स होते हैं कौन सा चूज़ करें इस सीज़न के लिए वो भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं जो यूज़ करती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। मेरा स्किन ऑयली है, और मेरा जो बॉडी का स्किन है वो ड्राई है, और फेस का स्किन ऑयली है। मैंने जो ऐड किया है मेरे स्किन केयर रूटीन में, उसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत टिप्स भी शेयर करूँगी फॉर अदर स्किन टाइप लाइक ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो देखते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं फेस मॉइस्चराइज़र की। तो फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट। इसमें विटामिन ई है, ये एक लाइट मॉइस्चराइज़र है। ये हमारे स्किन को फ्रेश एंड सॉफ्ट बनाता है, और हमारे स्किन में ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसका एक्चुअल प्राइस 185 है। ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। जिनका ड्राई स्किन है वो निविया के दूसरे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला अवॉइड करें। नेक्स्ट है बॉडी लोशन। तो बॉडी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का कोकोआ नरिश। ये एक डीप मॉइस्चराइज़र सीरम है। इसमें कोकोआ बटर एंड कोकोनट ऑयल मेन इंग्रेडिएंट है। ये बहुत ही जिनका स्किन ड्राई होता है उनके लिए बनाया गया है, पर विंटर में मुझे लगता है हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। इसका एक्चुअल प्राइस 275 है। और लिप्स के लिए मैंने लिया है निविया का लिप बाम। ये पूरे दिन मेरे लिप्स को सॉफ्ट और शाइनी रखता है। चाहे कोई भी सीजन हो, सनस्क्रीन जरूर लगाना है। तो माई ऑल टाइम फेवरेट बायोटेक का सनस्क्रीन। आई ऑल्सो यूज वैसलिन बॉडी लोशन। वन ऑफ माई फेवरेट बॉडी लोशन इज वैसलिन का कोकोआ ग्लो। इसको मैं हर एक सीजन में यूज़ करती हूँ। ये बना है प्योर कोकोआ एंड शीट बटर से। ये हमारे स्किन के ग्लो को रिस्टोर करता है, और डल एंड ड्राई स्किन को रिमूव करता है। ये नॉन ग्रीसी है, तो विंटर में ऑल स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 400 ml बॉटल का एक्चुअल प्राइस है 345। इसके अलावा मैं कोकोनट का वर्जिन ऑयल भी यूज़ करती हूँ। ये हर एक स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। आपका अगर स्किन ड्राई है तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन कम्बिनेशन ऑल स्किन टाइप के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, नो साइड इफ़ेक्ट। कोकोनट ऑयल आपके स्किन को रिंकल फ्री रखेगा। अगर आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उसको भी ठीक करेगा, और ऊपर जो एक लेयर आ जाता है डेड स्किन का वो भी रिमूव करेगा। तो कोकोनट ऑयल बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। सो ये आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कौन सा प्रोडक्ट मैं चूज़ करूँ, क्योंकि जब तक आप लेके यूज़ करोगे तब तक शायद सीज़न ही चला जाए आपको टेस्ट करते हुए, तो इससे अच्छा है आप कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑर्गेनिक वाला आता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल के अलावा आप ऑलिव ऑयल या तो बादाम का ऑयल भी अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, होल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेरा फेवरेट है सरसों के तेल, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो वहाँ पे ये तो बहुत यूज़ होता है। विंटर के टाइम बच्चों को तो सरसों के तेल से पूरा बॉडी पे लगा के धूप में बिठा दिया जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। सरसों के तेल से स्किन बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट हो जाता है। थोड़ा स्मेल आता है उसका, तो हम लोग जब बड़े हो जाते हैं उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हफ्ते में एक दिन आप अगर यूज़ करोगे तो आप फ़र्क देखोगे, आपका स्किन बहुत ही अच्छा रह रहा है। सरसों के तेल को आपको नहाने से पहले यूज़ करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सरसों के तेल अपने पूरे बॉडी में मसाज कर लोगे उसके बाद जाके नहाओगे तो अच्छा रहेगा। जिस दिन आप कहीं नहीं जा रहे हो बाहर घूमने या कुछ फंक्शन कुछ भी नहीं है, घर पे ही रह रहे हो, उस दिन आप ये सरसों के तेल लगा के आप बात कर सकते हो।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय।